दोस्तों, अगर आपके पास वन प्लस नॉर्ड 4 5G फ़ोन है तो आज के इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि इस फ़ोन में आप जो रियल टाइम नेटवर्क स्पीड होती है वो आप कैसे देख सकते हैं अपने स्टेटस बारे में। जैसे देखिए यहाँ पर दिख रहा है, ये आप कैसे लगा सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या है, आपको अपने फ़ोन की सेटिंग को ओपन करना है। सेटिंग ओपन करने के बाद यहाँ पर देखेंगे एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा नोटिफिकेशन स्टेटस बार, जहाँ पर भी आपको स्टेटस बार दिखे वहाँ पर आपको क्लिक करना है। और फिर यहाँ पर देखिए स्टेटस बार दिख रहा है, फिर से हम क्लिक करेंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर देखेंगे तो रियल टाइम नेटवर्क स्पीड दिख रहा है, ये ऑप्शन दोस्तों इनेबल कर दीजिएगा, आपका जो फ़ोन है वो यहाँ पर स्टेटस बार में आपको जो स्पीड है नेटवर्क की वो आपको दिखाई देने लगेगी। इसके अलावा दोस्तों एक ऑप्शन और है, उसको भी आप इनेबल कर सकते हैं। जैसे आपको अपने प्ले स्टोर में जाना है, प्ले स्टोर में जाएंगे तो यहाँ पर एक एप्लीकेशन बहुत ही अच्छी आती है, जिसमें आपको डाउनलोडिंग अपलोडिंग दोनों स्पीड बहुत ही अच्छी आपको देखने को मिल जाती है, यानी कि जो भी एकदम रियल टाइम होती है वो आपको यहाँ पर दिखने लगेगा। आपको करना क्या है, देखिए हम आपको दिखाते हैं। अभी हम वाईफाई से कनेक्ट कर ले रहे हैं क्योंकि नेटवर्क यहाँ थोड़ा कम आ रहा है। यहाँ पर दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पर सर्च बार में आपको लिखना है 42 KB। 42 KB दोस्तों लिखेंगे तो आप जैसे ही सर्च करेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर देखेंगे आपके सामने बहुत सारी एप्लीकेशन आ जाएगी, लेकिन आपको ये वाली एप्लीकेशन है नेट स्पीड इंडिकेटर लिखा हुआ है, ये वाली एप्लीकेशन आपको इंस्टॉल कर लेना है। बहुत ही छोटी सी ऐप है, तुरंत इंस्टॉल हो जाती है। बस आपको जैसे ही आप केवल यहाँ पर परमिशन पर क्लिक करेंगे तुरंत आपको यहाँ नोटिफिकेशन पर दिख जाएगा आपको इस बारे में कि आपकी स्पीड कितनी चल रही है, डाउनलोडिंग अपलोडिंग सब कुछ दिखाई देगा। तो वीडियो हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर लाइक कर लीजिएगा।